हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक लेक्चर नंबर 1। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि चैप्टर का नाम क्या है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। द क्लोथ्स व्हिच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो किस किस से बने होते हैं, फैब्रिक से मिलके बने होते हैं, धागे से मिलके बने होते हैं। जो हम कपड़ों को भी देखते हैं, अगर वो फट जाता है तो छोटे छोटे थ्रेड्स नजर आते हैं उसके अंदर, वो क्या है, हमारे फैब्रिक्स। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो फैब्रिक है वो जो किससे मिलके बनते हैं, आर मेड फ्रॉम फाइबर से मिलके बनते हैं। जो कपड़े हैं जो फाइबर से मिलके बनते हैं, और वो फाइबर हमें किससे मिलते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से मिलते हैं। या नेचुरल मिलते हैं या हम खुद बना, या नेचुरली अवेलेबल होते हैं वो जो फाइबर होते हैं, या आर्टिफिशियल सोर्स से मिलते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स। क्या हम कुछ नेचुरल फाइबर्स के कुछ नाम बता सकते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर जो है हाउस होल्ड आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर। ट्राई टू सेपरेट दैम इन टू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। कहने फाइबर जो है आर ऑल्सो यूज फॉर, जो किस लिए बनाने के लिए यूज होता है, वो बहुत सारी, जो फाइबर जो हम धागा है वो बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हम हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राई टू सेपरेट दैम एंड दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। कहने डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उसको आइडेंटिफाई कर लो कि ये जो है हमारे नेचुरल फाइबर से मिलके बनी है और दूसरी जो है हमारी आर्टिफिशियल फाइबर से मिलके बनी है। तो हमारी एक टेबल है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर। तो नेम ऑफ द आर्टिकल, टाइप ऑफ फाइबर, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो इसमें सीरियल नंबर में कोई भी हम चार या पाँच आइटम ले सकते हैं। जैसे हमारा जो सॉक्स है वो नेम ऑफ द आर्टिकल सीरियल नंबर यहाँ आ जाएगा 1, और नेम ऑफ द जो है हमारा नेम ऑफ द आर्टिकल क्या आ जाएगा, सॉक्स। और टाइप ऑफ फाइबर क्या है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, एक्रीलिक है। अब एक्रीलिक आगे हम स्टडी करेंगे वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। नेचुरल मतलब जो हमारे दो टाइप के फाइबर हो गए, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। जो नेचुरल मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलके मिलते हैं जो फाइबर, और दूसरा आर्टिफिशियल जो हम मैन मेड जो हम अपनी फैक्ट्रीज में मशीन्स के थ्रू बनाते हैं, जो धागे बनाते हैं, धागों की मशीन्स होती हैं, वो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। तो कोई भी चार या पांच आइटम्स लेनी है, ये हमें अपनी रफ नोटबुक में बनानी है। कोई भी सॉक्स ले ली, हमारा जैकेट ले ली, जैकेट है जैसे वो हमारा कौन सा फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है। तो ऐसे ही चार पांच आइटम्स लेनी है हाउस होल्ड जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे सॉक्स बताया मैंने अभी, और कुछ भी कोई भी चीज़, कॉटन हो गया, अब वो कौन सा फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, तो कॉटन की कोई भी चीज़ ले लेंगे, कॉटन क्लोथ ले लेंगे। टाइप ऑफ फाइबर क्या है, नेचुरल फाइबर हो गया। सॉक्स बता दिया हमने, जैकेट बता दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ले, चार या फोर या फाइव आइटम लेनी है और हमें इसको आइडेंटिफाई करने हैं कि नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो हमने अभी स्टडी किया कि दो टाइप के फाइबर होते हैं हमारे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं वो नेचुरल, जो हमारे मैन मेड फाइबर होते हैं जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। और जो फाइबर है हमारा वो किस लिए यूज़ होता है, जो हमारा फाइबर किस लिए यूज होता है, हाउस होल्ड आइटम बनाने के लिए यूज होता है। वट डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेज दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर आर मेड ऑफ ह्यूमन बींग, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेज, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क जो है हमें प्लांट और एनिमल से मिलकर बनते हैं, और द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स, दैट इज वाई दीज आर कोल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। कह यू हैव रीडिंग योर प्रीवियस क्लास, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है नेचुरल फाइबर जो होते हैं हमारे कॉटन, वूल, सिल्क जो है हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो जो आर मेड बाई ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग बनाते हैं उसको मैन मेड फाइबर बोलते हैं। ये हमने पहले भी अभी स्टडी किया है। अब हम करें पढ़ेंगे कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, जो चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर तो प्लांट और एनिमल से जो मिलते हैं और उसकी एग्जांपल भी हमने स्टडी कर लिए। अब मेन जो चैप्टर हमारा सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं।
Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain as shown in figure 3.1ab. Is there any similarity between the two? कह रहे कि एक नेकलेस के जो बीड्स होते हैं जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, थ्रेड से जो ज्वाइन कर लेते हैं उसको, ट्राई टू ज्वाइन नंबर ऑफ और नंबर ऑफ पेपर क्लिप टू मेक अ लॉन्ग चेन। जैसे बी में दिखाया हुआ है कि लॉन्ग चेन बनाइए, पेपर पेपर की क्लिप्स लेके एक लंबी चेन बनाई हुई है। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, कि जो ये माला है और ये पेपर की क्लिप बनाए हुए हैं, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? जो पहले है माला की, जो माला की जो हमारी नेकलेस है उसके बीड्स हैं जो थ्रेड से ज्वाइन किए हुए हैं, और दूसरा पेपर क्लिप से जो ज्वाइन किए हुए हैं, इसके बीच में क्या सिमिलैरिटी है? अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स टूगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज नेचुरली अ केमिकल सब्सटेंस, मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। अ सिंथेटिक फाइबर जो है छोटे छोटे चीजों से मिलकर बने हैं। इज ऑल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टूगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, मैनी रिच वेरी स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट, सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। अ सिंथेटिक फाइबर जो है चेन है छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स की। ए स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस, और छोटे छोटे जो यूनिट है क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है, और छोटे छोटे यूनिट जो है वो क्या होते हैं? हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं। जैसे ये हमारी माला है छोटे छोटे बीड से मिलकर बनी हुई है, वैसे सिंथेटिक फाइबर भी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है, और वो छोटे छोटे यूनिट किससे बनी होती है? एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस होती है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। ऐसे छोटे छोटे जो यूनिट है, जैसे माला की जो हमारे बीड्स हैं छोटे यूनिट है कंबाइन करके जो है हमारी माला बनाते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं वो कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट। जो पॉलीमर है वो क्या है? पॉली में का मतलब क्या होता है? मी मैनी, और जो हमारा मर का मतलब होता है वो पार्ट। जो पॉलीमर जो है सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। जो पॉलीमर है किससे मिलके बने हैं? वो रिपीटिंग यूनिट से मिलके बने हैं। तो जो पॉलीमर जो है हमारे छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनी हुई है। जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू पॉलीमर, जो छोटे छोटे यूनिट कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, और जो पॉलीमर है वो जो क्या है? और सो अर पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। जो पॉलीमर जो है वो छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हमारा जो क्लोथ है वो किससे मिलके बना है? फाइबर से मिलके बना है। फाइबर हमें किससे मिलते हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से मिलते हैं। तो हमने चार या पांच आइटम ली, उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। नेचुरल क्या होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलके बनते हैं। और आर्टिफिशियल क्या होता है? जो मैन मेड खुद बनाते हैं, जो हम खुद बनाते हैं। नेचुरल के एग्जाम्पल क्या है? कॉटन, वूल, कोर, सिल्क। और जो सिंथेटिक फाइबर को हम मैनमेड फाइबर भी बोलते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? इसके लिए कि हमने एक एग्जांपल लिया कि जैसे बीड्स होते हैं, जो हमारी नेकलेस होता है नेकलेस के बीड्स होते हैं, तो उस वैसे ही हमारे जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है उसमें भी वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है सिंथेटिक फाइबर। और वो छोटे छोटे यूनिट क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होती हैं। और वो केमिकल सब्सटेंस जो मिलके क्या बनाता है? पॉलीमर बनाता है। पॉलीमर का अब इसका मीनिंग क्या है? पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है पार्ट। सो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। पॉलीमर जो है मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। पॉलीमर जो है बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना होता है। थैंक यू।